हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी खुश हों और स्वस्थ हों। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर वाली पोशाक बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमारी कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमने सिर्फ कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है और एक लेस का यूज़ किया है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए मेजरमेंट भी बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adiculturalworld268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने येलो कलर के कॉटन के फैब्रिक में से पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, वो हमने 9 इंचेस यानी कि 9 इंच रखी हुई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच यानी कि 4 इंच रखी हुई है। हमने सारे पीसेस की लंबाई 9 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के कान्हा जी के लिए रखा है, तो मैं 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आपको इसकी लंबाई का मेजरमेंट पहले बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें वो 3 इंच यानी कि 3 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 4 इंच, 2 नंबर के लिए 5 इंच, 3 नंबर के लिए 6 इंच, 4 नंबर के लिए 7 इंच, 5 नंबर के लिए 8 इंच, 6 नंबर के लिए 9 इंच, 7 नंबर के लिए 10 इंच, 8 नंबर के लिए 11 इंच, 9 नंबर के लिए 12 इंच और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें कपड़े की जो टोटल लंबाई होगी वो 13 इंच यानी कि 13 इंचेस रखनी है। अब मैं आपको कपड़े की चौड़ाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें कपड़े की चौड़ाई 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 2.75, 2 नंबर के लिए 3 इंच, 3 नंबर के लिए 3.25, 4 नंबर के लिए 3.5, 5 नंबर के लिए 3.75, 6 नंबर के लिए 4 इंच, 7 नंबर के लिए 4.25, 8 नंबर के लिए 4.5, 9 नंबर के लिए 4.75, 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें कपड़े की टोटल चौड़ाई 5 इंच यानी कि 5 इंच रखनी है। अब हमें इन सारे पीसेस को बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बराबर करते हुए, और इसको हम देखिए एक के ऊपर एक रख लेंगे। आप देखिए ऊपर की तरफ से सारे पीसेस की फोल्डेड वाली साइड है और नीचे की तरफ से सारे पीसेस की ओपन वाली साइड है। अब हमें इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ देखिए जो नीचे से ओपन वाली साइड है, यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है पेटल का, तो हम इस तरीके से शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ बिल्कुल किनारे पर लाकर मिला देंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से शेप ड्रॉ किया है। अगर आपको ऐसे शेप ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको गोलाई देते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप जैसा शेप चाहें वैसे शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसको इसी शेप में कट करेंगे। कट करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमने दो दो पीसेस को एक साथ रखा है, एक के ऊपर बिल्कुल बराबर करते हुए। देखिए ऐसे ही हमने ब्लू कलर में पीसेस कट किए हैं। अब हमें देखिए यहाँ जो नीचे वाली साइड है, यहाँ से सिलाई लगानी है, और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। नीचे की तरफ से हमें इसको खुला छोड़ देना है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं चारों तरफ से, जिससे कि इसको पलटने में भी आसानी होगी और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। सारे पीसेस पे हम कट्स लगाएंगे। चारों तरफ से कट्स लगाने के बाद अब यहाँ नीचे की तरफ से हमने ये जो खुला छोड़ा है, इधर की तरफ से हमें इसको देखिए पलटकर सीधा कर लेना है इस तरीके से। इसको पलटने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से ये देखिए पलट जाएगा। और पलटने के बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें इस पे चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें सारे पीसेस तैयार करने हैं। सारे पेटल्स को हमने देखिए सीधा करके और ऊपर की तरफ से सिलाई भी लगा ली है। अब इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। हमने टोटल 10 पेटल्स बनाए हैं। 5 पेटल्स हमने येलो कलर के बनाए हैं और 5 पेटल्स हमने ब्लू कलर के बनाए हैं। आप चाहें तो ये ड्रेस सिर्फ एक कलर से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप दो कलर का यूज़ करें।
अब हमने देखिए ये गोल्डन कलर की पतली वाली लेस ले ली है। अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी गोल्डन कलर की लेस यूज़ कर सकते हैं। अब हमें एक पेटल लेना है और देखिए इसको यहाँ से रखते हुए इस तरीके से और चारों तरफ से यहाँ तक लगा लेना है। ऐसे ही हम सारे पेटल्स पर लेस लगाएंगे। सारे पीसेस में लेस लगाने के बाद अब हमें देखिए इसको फ्लावर के शेप में जॉइंट कर लेना है। पहले हम एक येलो कलर का पेटल रखेंगे, उसके बगल में हम एक ब्लू कलर का पेटल रखेंगे, फिर से हम येलो कलर का पेटल रखेंगे और फिर से देखिए ऐसे ब्लू कलर का पेटल रखेंगे। इस तरीके से देखिए हम इसको फ्लावर के शेप में सेट कर लेंगे और सिलाई लगाकर यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। सिर्फ एक लास्ट वाले पीस को हमें जॉइंट नहीं करना है, यहाँ से हम इसको खुला छोड़ देंगे और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको जॉइंट कर लेंगे। सारे पीसेस को देखिए हमने एक के ऊपर एक रखते हुए इसको जॉइंट भी कर लिया है। अब जब हम इसको ऐसे गोलाई में शेप देंगे देखिए तो ये बिल्कुल फ्लावर का शेप आएगा। इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हमने देखिए येलो कलर के फैब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है, इसको हमें किनारे की तरफ से डबल फोल्ड कर लेना है और फिर देखिए यहाँ से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है और इधर की तरफ से भी इसको डबल फोल्ड कर लेना है। सिलाई लगाकर इसको यहाँ से जॉइंट करने के बाद अब हमें देखिए इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है इस तरीके से और ऊपर की तरफ से इसको एक बार फोल्ड करना है। फिर एक बार और हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और ये जो हमने देखिए सेट किया है पेटल्स को इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से और यहाँ नीचे की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर से बेल्ट लगाने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें इसको यहाँ पर इसके ऊपर रखना है देखिए इस तरीके से लास्ट में और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। इसको यहाँ से लॉक करने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल फ्लावर का शेप लग रहा है ना। अब हमने ये पतली वाली इलास्टिक ले ली है, हमें ड्रेस को पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और ये जो हमने बेल्ट लगाई है यहाँ पर ऐसे इलास्टिक को रखना है और ऐसे खींचते जाना है और सिलाई लगाती जानी है। इसी तरीके से हम इस पे चारों तरफ से इलास्टिक लगा लेंगे। बीच में इलास्टिक लगाने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम कान्हा जी को बहुत ही आसानी से ये पहना सकते हैं। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने येलो कलर के कॉटन के फैब्रिक में से दो पीसेस कट कर लिए हैं। इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो हमने 7 इंच यानी कि 7 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच रखी हुई है। दोनों ही पीसेस का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल बराबर है। ये मेजरमेंट हमने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए रखा है। तो मैं 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कान्हा जी के लिए पहले आपको चोली की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चोली की जो टोटल लंबाई है वो 4 इंच यानी कि 4 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 4.5 इंच, 2 नंबर के लिए 5 इंच, 3 नंबर के लिए 5.5 इंच, 4 नंबर के लिए 6 इंच, 5 नंबर के लिए 6.5 इंच, 6 नंबर के लिए 7 इंच, 7 नंबर के लिए 7.5 इंच, 8 नंबर के लिए 8 इंच, 9 नंबर के लिए 8.5 इंच और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चोली की टोटल लंबाई 9 इंच यानी कि 9 इंच रखनी है। अब मैं आपको चोली की चौड़ाई का मेजरमेंट बता देती हूँ। 0 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चोली की टोटल चौड़ाई 2 इंच यानी कि 2 इंच रखनी है। 1 नंबर के लिए 2.25 इंच, 2 नंबर के लिए 2.5 इंच, 3 नंबर के लिए 2.75 इंच, 4 नंबर के लिए 3 इंच, 5 नंबर के लिए 3.25 इंच, 6 नंबर के लिए 3.5 इंच, 7 नंबर के लिए 3.75 इंच, 8 नंबर के लिए 4 इंच, 9 नंबर के लिए 4.25 इंच और 10 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चोली की टोटल चौड़ाई 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच रखनी है। देखिए ये मेजरमेंट हम दोनों ही पीसेस के लिए रखेंगे। अब हमें इन दोनों पीसेस को ऐसे बराबर करते हुए बीच में से फोल्ड कर लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ किनारे की तरफ से जो हमने इसको खुला छोड़ा था यहाँ से हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है। पलटकर सीधा करने के बाद अब हमने ये गोल्डन कलर का टिश्यू रिबन ले लिया है। अगर आपके पास टिश्यू रिबन नहीं हो तो आप गोल्डन लेस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शॉर्टन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें देखिए यहाँ पर रखना है और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर लगा लेना है। ऐसे ही हम इस पर दोनों तरफ से लगाएंगे। टिश्यू रिबन लगाने के बाद अब हमने ये ब्लू कलर की लेस ले ली है, इसको हमें यहाँ बीचों बीच में दोनों पीसेस में लगाना है। अब इस वाले पीस को हमें इसके ऊपर रखना है हल्का सा और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे हम। साथ ही साथ इसको बीच में भी 1 इंच ऊपर तक हमें जॉइंट कर लेना है। हमने गोल्डन कलर की डोरी में से एक पीस कट कर लिया है, इसको हमें यहाँ नीचे की तरफ से रखना है बराबर करते हुए बीचों बीच में और सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर डोरी को देखिए इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। इसके साथ ही साथ यहाँ ऊपर की तरफ से दोनों पीसेस में हमें इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।